Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a video on algebraic expressions and identities for Class 8 Math CBSE. In this video, the concepts of algebraic expressions, terms, factors, coefficients, and identities are explained in a clear and concise manner. The video also covers the process of simplifying expressions, expanding brackets, and solving equations using algebraic identities. The tutorial provides step-by-step examples and practice questions to help students understand and apply these concepts effectively. Additionally, the video discusses the real-life applications of algebraic expressions and identities, making the learning experience more engaging and practical for students. By watching this video, students can deepen their understanding of algebra and strengthen their problem-solving skills. Overall, this tutorial is an invaluable resource for Class 8 students studying math under the CBSE curriculum, as it provides a comprehensive explanation of algebraic expressions and identities to help them excel in their studies. We are going to start with algebraic expressions and identities, ठीक है? तो भाई साहब यहाँ पे algebraic expression, जैसे आपका देखो यहाँ पे ये, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक algebraic expression है, ठीक है? This is what people, एक algebraic expression. Algebraic expression किन चीज़ों से बनता है? आपके constants and variables से, ठीक है? Algebraic expressions are made of constants and variables. कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है? ओके, ये हो गया भाई साहब आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस इज बेसिकली एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड, ठीक है, बाय सम और ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन. सो आपके जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशन हैं उनसे जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जितने भी आपके कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हैं जिनको अपन कनेक्ट कर रहे हैं किससे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन से, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है, विच आर कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. तो आप देखो यहाँ पे ये हो गया आपके कॉन्स्टेंट्स, देखो यहाँ पे क्या हो गया, दीज आर बेसिकली नोन एज कॉन्स्टेंट्स, ठीक है. ये हो गया आपका भाई साहब वेरिएबल्स, ठीक है, दीज आर बेसिकली वेरिएबल्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है. तो जैसे अगर देखो यहाँ पे 7x है और 14x, लाइक और अनलाइक टर्म्स मतलब क्या होते हैं, जिनको आप ऐड कर सके या सब्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है. तो जैसे 7x है और 14x है, इसको आप ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट भी कर पाएंगे, जहां पे आप प्लस या माइनस कर पाए उनको अपन बोलते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है, जहां पे आप प्लस या माइनस कर पाए, ठीक है. मल्टीप्लीकेशन और डिविजन सब में होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन सब में पॉसिबल है, जहां पे आप प्लस या माइनस कर पाए उसको अपन बोलते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है. यहाँ पे हो गया माइनस 13x और ये हो गया 5x square, ठीक है, माइनस 13x और ये हो गया आपका 5x square, इसको अपन ऐड नहीं कर सकते. इन तीनों को अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर अगर हो गया तो उसके साथ आप x को ऐड नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है. सो यू कैन नॉट ऐड, लेट से 6x square प्लस 14x, इसको आप ऐड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एडेड, ठीक है, दिस कैन नॉट बी एडेड, ये आपका हो गया भाई साहब कैन नॉट बी एडेड. आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. 7y 7xy माइनस 9y square माइनस 9x square, इनमें भाई साहब देखो इसको और इसको ऐड नहीं कर सकते, y और xy को ऐड नहीं कर सकते, y square और x square को ऐड नहीं कर सकते, x square xy और y को ऐड नहीं कर सकते, y square xy और y को ऐड नहीं कर सकते, दीज कैन नॉट बी एडेड, ठीक है. ये आपके अनलाइक टर्म्स हैं, दीज आर बेसिकली अनलाइक टर्म्स, ठीक है. ओके, तो लाइक टर्म्स आपके क्या क्या हो जाएंगे बोलो, 7x, 14x और माइनस 13x, दीज आर ऑल लाइक टर्म्स, ठीक है. अनलाइक टर्म्स यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे बोलो, ठीक है, ये आपके लाइक टर्म्स हो गए, देखो यहाँ पे 5x square और 9x square, ये आपके लाइक टर्म्स हो गए, इनमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है. ऐसे टर्म्स जिनमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी कर सके उसको अपन लाइक टर्म्स बोलते हैं. अनलाइक टर्म्स क्या हो जाएंगे बोलो, वॉट विल बी अनलाइक टर्म्स, 9y square, 7y, 7xy, ये सब आपके अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, these will be all unlike terms, ठीक है, समझ में आता है. The terms having the same literal factors, तो जो terms होते हैं जिनके same factors होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, ठीक है, like terms. The terms having dissimilar literal factors are known as unlike terms, ठीक है. Okay, let us take an example, 4x minus 5 minus 4x minus y minus 5,
क्या ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं बच्चा बड़ी? सब के सब अनलाइक टर्म्स हैं, तो मतलब ये ऐसा ही रह जाएगा, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते। 4x minus y minus 5, these are all unlike terms, ठीक है? So this is an algebraic expression. A term is either a single number, a variable number and variables multiplied together. तो a term is either एक single number हो सकता है, variable number हो सकता है and variables multiplied together भी हो सकता है, ठीक है? एक single number हो सकता है, एक variable हो सकता है, ठीक है? They are called variables because their values keep on changing. इनको variables बोलते हैं क्योंकि इनका values जो है तो change होता रहता है, ठीक है? Okay. 4x coefficient is the number associated with a variable. तो आपका here x is the variable, उस पर coefficient associated है, तो आपका क्या हो गया आपका 4x, ठीक है? Coefficient is a value. Thus 4 is the coefficient of x. 11 mn है. Variable क्या हो गया यहाँ पे mn और coefficient क्या हो गया भाई साहब 11. a हो गया भाई साहब आपका, ठीक है? Remainder 1a. Identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. चलिए भाई साहब इसको करना है, coefficient को identify करना है और यहाँ पे identify the terms, their coefficients for each of the following. 5xyz का क्यूब, तो यहाँ पे देखो क्या है 5 terms. A term is either a single number, a variable number and a variable multiplied together. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो terms 5xy, तो आपका यहाँ पे कोफिशियंट इज अ नंबर, तो आपका कोफिशियंट अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और माइनस 3, ठीक है? कोफिशियंट इज, तो आपका कोई सा कोफिशियंट, चलिए इसको इसके कोफिशियंट आइडेंटिफाई कीजिए फटाफट फटाफट, टर्म्स को आइडेंटिफाई कीजिए और कोफिशियंट्स को जल, अरे करो ना इसको, ओके सो बच्चा पार्टी यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी आपका टर्म्स, टर्म्स क्या क्या हो गए? अ टर्म इज ईदर अ सिंगल नंबर अ वेरिएबल और नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो आपके टर्म्स यहां पे क्या क्या हो गए बोलो 1x और x स्क्वायर, ये आपके टर्म्स हो गए भाई साहब ये 1x और x स्क्वायर। अभी इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कोफिशिएंट्स, ठीक है? कोफिशिएंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ वेरिएबल, तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, देयर इज नो नंबर एसोसिएटेड विद z, तो z के साथ भाई साहब कोई, तो यहां पे आपका 1 1 और ये हो गया आपका 1, ठीक है? दीज आर बेसिकली कोफिशिएंट्स, क्लियर है बच्चा वाड़ी, ठीक है? ओके चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट क्विक 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 एवरीवन, क्या क्या टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, पहले तो ये देख लो कि ये टर्म्स जो है वो आपके सेम है या नहीं, ठीक है? सो टर्म आपका यहां पर देखो टर्म्स देन देयर कोफिशिएंट्स, तो टर्म्स आपके क्या क्या हो गए, दीज आर बेसिकली द टर्म्स, इनके कोफिशिएंट्स देखो भाई साहब व्हाट आर द कोफिशिएंट्स, तो ये हो गया 4, ये हो गया -4 और ये हो गया 1, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, थ्री माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी, तो आपके टर्म्स यहां पे क्या हो जाएंगे भाई साहब, तो ये आपके हो गए टर्म्स 3 माइनस पी क्यू और क्यू आर, ये हो गया आपके टर्म्स। कोफिशिएंट्स देखिए क्या क्या हो जाएंगे, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट्स, 3 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है? ये हो जाएगा आपका -1, ये 1 और ये हो गया आपका -1, तो ये हो गया आपके कोफिशिएंट्स, ठीक है? ये हो गया आपका टर्म्स। अभी देखो इन चारों में आप किसी को भी किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हो गया आपके टर्म्स और ये हो गया उनके कोफिशिएंट्स, दीज आर देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है? ओके चलिए भाई साहब ये है आपका, चलिए फटाफट फटाफट ध्यान से देखना, यहां पे x / 2 है और ये x by 2 है, ये दोनों भी सेम है, तो इनको आप कर लोगे क्या एड, सो यू आर गोइंग टू एड देम, तो यहां पे क्या हो जाएगा x by 2 plus x by 2 हो गया x, ठीक है? और यहां पे हो गया minus x by, तो आपके दो टर्म्स हो गए यहां पे, तो आपके टर्म्स क्या क्या हो गए यहां पे, टर्म्स हो गए आपके क्या x एंड minus x by, और कोफिशियंट्स क्या हो जाएंगे इनके 1 एंड -1, आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, तो यहां पे x by 2 x by 2, तो आपका यहां पे 1 by 2 1 by 2 एक्चुअली गलत है, ठीक है? तो आपका जहां पे टर्म्स होते हैं ना ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? आपका यहां पे x by 2 और x by 2 एक्चुअली 1 x हो जाएगा, ठीक है? ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, टर्म्स और कोफिशिएंट्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा बोलो, टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 0.3a
0.6ab and 0.5b और कोफिशिएंट्स क्या क्या हो जाएंगे -0.6 और 0.5, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टर्म्स क्या क्या हो गया, दीज आर द टर्म्स, इनके कोफिशिएंट्स क्या क्या हो गया, 0.3 -0.6 और 0.5, ठीक है। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो आपका मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, जो कर रहा हूं उसको करने दे पहले, ज्यादा अपना ना ब्रेन कम चला। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, जो जो हो रहा है उसको उसके उसमें तुमको पहले क्यों इतराज है। मैं तुमको हाई स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स समझाऊं इसका मतलब, बोलो सर पॉलिनोमियल भी होता है। तो मोनोमियल क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 5x2, एक ही टर्म का जो होता है उसको अपन बोलते हैं मोनोमियल। प्लीज बी विथ मी और यू डोंट कम हियर, सिंपल 5x2 एंड 3y5, ये क्या हो गया आपका मोनोमियल, दीज आर बेसिकली व्हाट मोनोमियल्स, ओके। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा आपका 8x plus 9, 17 minus 9 का स्क्वायर, कितना मिला था आपको मैथ्स में आउट ऑफ 50 कितना मिला था, 5x2 3y2, यहां पे एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म्स, इन दोनों को अपन ऐड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा जिसमें तीन टर्म्स हो, एक्सप्रेशन हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, एग्जाम्पल m2 minus 2m plus 6 से, ये हो जाएगा भाई साहब एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। इससे ज्यादा अगर होगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, दैट विल बी पॉलिनोमियल। क्या हो रहा है चाचा, कल भेजा है मैंने टाइम, हाँ नोट्स किधर है, आओ वेन वेन वेर के, बहुत बढ़िया, तो सिर्फ संस्कार नहीं लिखा है, बहुत बढ़िया। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, ठीक है। चलिए बताए बताइए x प्लस वाई ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली अ बाइनोमियल, ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल, ठीक है। 1000 ये क्या हो जाएगा मोनोमियल, दिस विल बी अ मोनोमियल। ये बताइए क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4, ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तीन से ज्यादा है, पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके ये वाला बताइए 7 प्लस वाई प्लस 5x, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा बोलो 2y माइनस 3y2, तो ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके 2y माइनस 3y2 प्लस 4y3, बच्चा पार्टी बोलो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स है ना जिनको आप ऐड नहीं कर सकते, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ओके ये वाला कितना हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, बहुत बढ़िया ट्राइनोमियल, ठीक है ट्राइनोमियल। ओके 4z माइनस 15z2, 4z माइनस 15z2, ये क्या हो जाएगा बोलो बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। ab plus bc plus cd plus da, ये क्या हो जाएगा बोलो पॉलिनोमियल, दिस विल बी बेसिकली अ पॉलिनोमियल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम pqr ये बताइए क्या हो जाएगा, नहीं मोनोमियल हो जाएगा, दिस विल बी अ मोनोमियल, दिस विल बी अ मोनोमियल, ठीक है। ये बताइए भाई साहब आपका क्या हो जाएगा p² q + pq² दिस विल बी अ बाइनोमियल, दिस विल बी अ बाइनोमियल, ठीक है। 2p + 2q ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल, ठीक है क्लियर है। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल और पॉलिनोमियल, आर वी क्लियर ऑन दिस, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके यहां पे भाई साहब आपका एक्स प्लस वाई, मोनोमियल में क्या क्या आ जाएगा बोलो, मोनोमियल में क्या क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आएगा, नहीं ये आएगा बाइनोमियल में, तो एक्स प्लस वाई गोज इन टू बाइनोमियल, ठीक है। ओके 1000 किस में आएगा, अच्छा यहाँ पे हम इसको मोनोमियल क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे तो एक्स और वाई कुछ है नहीं, हाँ हाँ लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई तो कुछ भी नहीं है, नंबर है ना, उसको मोनोमियल क्यों बोल रहे हैं बोलिए। अरे भाई ए बी सी उसके साथ कुछ होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं है। देखो 1000 को मोनोमियल क्यों बोल रहे हैं, 1000 है हाँ बेटा वासी लो तुम, 1000 एक्स रेज टू जीरो लिख सकते हैं, एनीथिंग रेज टू जीरो क्या होता है वन, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं 1000 इंटू वन लिख सकते हैं,
तो मतलब क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू एक्स रेस टू जीरो लिख सकते हैं, तो 1000 एक्स रेस टू जीरो कैन वी राइट दिस, कैन वी राइट दिस, यस ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोमियल, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे 1000, ये हो गया मोनोमियल, ये क्या हो जाएगा बोलो, पॉलिनोमियल, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली पॉलिनोमियल, इसको तो लिया ही नहीं कहीं पे, क्या हो गया ये, किधर चला गया, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल, ठीक है, ओके। ये हो गया भाई साहब आपका बाइनोमियल, ये वाला बताओ क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी ट्राइनोमियल, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके। ये वाला बताओ आरव, ट्राइनोमियल, बहुत बढ़िया भाई, क्या कहते हैं इसके बाद, ये वाला तुम बताओ, ये वाला, हाँ ये, बट बाइनोमियल क्या क्या बोले जा रहा भाई साहब, कौन सी भाषा में बोल रहा है, ये बताओ क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। ये वाला और ये वाला, ओके ठीक है, फिर से बोल क्या होता है, बोल चारों बोल, नहीं नहीं चारों बोल, नहीं 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 बोल बोल, नहीं नहीं तू बोल बोल, क्या बोलते हैं उसको, पहला क्या है, क्या क्या, मोनोलियम, मोनोमियल बोल, ठीक से मोनोमियल, फिर हाँ, फिर नहीं, अरे फिर पॉलिनोमियल कैसे हो गया सर, वो चौथा है ना, तो चौथा है, तो तू नाम गलत बोल रहा है ना, पॉलिनोमियल बोल, अरे पोलो क्यों, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बस खत्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, हड़बड़ी में मत रहे, ठीक है, ओके। अपन इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, लेकिन जो सही है वो बोल रहे हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, द पॉलिनोमियल व्हिच डज नॉट फिट इन दीज कैटेगरीज, मतलब जो फिट नहीं हो रहे इन कैटेगरीज में, ये हो गया ये और ये हो गया ये, इट हैज फोर टर्म्स, इट हैज फोर टर्म्स। अगर कोई पांच टर्म का होगा तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल, अगर कोई दस टर्म का होगा तो क्या होगा, हजार टर्म का होगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद, तीन टर्म के बाद जो भी होगा वो पॉलिनोमियल होगा। एक्चुअली में ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, समझ में आ रहा है, हम सिर्फ बोल रहे हैं मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, लेकिन एक्चुअली में सबके सब भाई साहब आपके पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। सो तीन से ज्यादा टर्म वैसे भी पॉलिनोमियल है, वैसे भी ये सारे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर। सिर्फ हम एक स्पेसिफिक नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक नाम, सारे के सारे पॉलिनोमियल फैमिली में आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे जैसे काटकर फैमिली में इनके पापा भी आएंगे, ये भी आएंगे, इनके बच्चे भी आएंगे, सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो काटकर फैमिली में सब लोग आ रहे हैं, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बोले आदित्य, तो चलो एक नाम हो गया, ठीक है, आदित्य के पापा का नाम एक अलग नाम हो गया, आदित्य के बच्चों का नाम ये अलग नाम हो गया, लेकिन एक्चुअली में सब एक ही है, एक फैमिली के हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज एक्चुअली बिलोंग टू द पॉलिनोमियल फैमिली, सबके सब पॉलिनोमियल फैमिली में ही है, सिर्फ इन तीनों का हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कर रहे हैं। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, एनी क्वेश्चंस पीपल टिल दिस, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ऐड द फॉलोइंग, ध्यान रहे, ऐड या सब्ट्रैक्ट आप किसमें कर सकते हैं, लाइक टर्म्स में, अनलाइक टर्म्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। मल्टीप्लीकेशन आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, डिविजन आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ए बी माइनस बी सी, मुझे साहिल आप क्या कहते हैं बताओ, ये साहिल बोल रहा हूं मैं, आयुष, ये ए डी माइनस बी सी, ये आपके लाइक टर्म्स हैं, क्या इनको ऐड कर सकते हैं, नहीं, कांदे के साथ भाई साहब आलू नहीं ऐड कर सकते, है ना, भाजी बना सकते हैं लेकिन आलू आलू ही रहेगा, कांदा कांदा ही रहेगा, क्लियर है, ठीक है। सो वी के नॉट ऐड दी, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स, तो ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है, दे विल बी लाइक दिस ओनली, बी सी माइनस सी ए आर एफ ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ओके। ये बताओ अनलाइक, ओके, लेकिन अभी इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है, तो चलिए ए बी माइनस बी सी, तो आपस में ये तीनों ऐड नहीं हो सकते, लेकिन तीन एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं क्या, वो देखते हैं अपन, बी सी माइनस सी ए माइनस, ठीक है, तो ये ए बी है और ये माइनस ए बी है, कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, ये माइनस बी सी है, प्लस बी सी है, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ओहो, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है, तो यहां पे ए बी और ये ए बी कैंसिल हो गया, सी ए और सी ए कैंसिल हो गया, बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, क्लियर है भाई साहब, तो आपका क्या आ जाएगा यहां पे, जीरो, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली जीरो, तो आपका ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी माइनस, तो ये आपका जीरो,
ये आपका जीरो और ये आपका जीरो, समझ में आ रही है? जिसके नीचे जो आएगा वही, तो आपका टोटल कितना हो गया, सम ऑफ द एक्सप्रेशन इज जीरो। जीरो डिग्री क्यों आ गया? जीरो ही होगा, डिग्री जबरदस्ती का ठूंस दिया उसमें, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, इसको ऐड करना है फटाफट, फटाक से करना है। पहले मैं डिफॉल्टर्स का नाम डाल दूं, है ना, आरव आदित्य। चलो हाँ, नहीं नहीं कल गया, आज जो एग्जाम था वो आज ही देना है ना भाई साहब, कल आने को देगा तो तेरे को थोड़ी ना मिलेगा एग्जाम देने के लिए, डिफॉल्टर्स में नाम जाएगा ना भाई साहब। अभी सबकी छुट्टी है ना भाई, किसी का तो स्कूल नहीं है ना, तो मॉर्निंग का टाइम चाहिएगा ना अब। चलिए भाई साहब यहाँ पे करना है a माइनस बी प्लस ए बी, तो अपन ऐसे लिखते जा रहे हैं, देखो a माइनस बी और इधर लिख दिया आपने प्लस ए बी, थोड़ा जगह छोड़ के ऐसे लिखना है, ठीक है। दूसरे टर्म को उठाते हैं और जैसा है वैसे ही लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या है पहले b, तो इसको b लिखा भाई साहब यहाँ पे, माइनस सी, माइनस सी को इधर लिखते हैं क्योंकि इसका तो कोई लाइक टर्म दिख नहीं रहा आपने को। बी सी है, इसका भी कोई लाइक टर्म दिख रहा है कि आपको? नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस बी सी। चलिए भाई साहब इसको उठाते हैं, सी माइनस ए, तो सी को इधर लिखो, सी हो गया यहाँ पे, माइनस ए मतलब इसके नीचे लिखो, और प्लस ए सी, ठीक है, प्लस ए सी, ठीक है। चलो भाई साहब करना है यहाँ पे, ए माइनस ए कैंसिल, ये कैंसिल हो गया भाई साहब, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, ए बी बचा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, क्या बचा बोलो यहाँ पे, ए बी, अपने अपने साइंस के साथ उतारना है, यहाँ पे क्या गया प्लस बी सी और यहाँ पे क्या गया प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। द सम ऑफ द एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4 प्लस 5 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्या करेंगे भाई साहब यहाँ पे देखो, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू, इसको लिख लिया भाई साहब अपने, ठीक है, प्लस कितना है भाई साहब आपका 4, ये तीन टर्म्स हैं जिसको अपन ने लिख लिया, अभी ये 5, ठीक है, तो इधर 5 लिखा आपने, ठीक है, 7 पी क्यू, तो यहाँ पे हो गया आपका 7 पी क्यू, और ये माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कितना आ गया बोलो यहाँ पे, ये हो गया आपका माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 7 माइनस 3 कितना आ गया आपका 4 पी क्यू, 5 प्लस 4 कितना आ गया आपका 9, समझ में आ रहा है ये, दिस इज द, ठीक है, ओके। सो सम ऑफ दीज इज, साइंस याद रखने हैं, साइंस उल्टा पुल्टा नहीं करना है, और लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, ठीक है, अगर कोई लाइक टर्म नहीं लिखता है मतलब नहीं बन रहा है तो बाहर लिखिए उसको, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से क्विक क्विक क्विक। डन डन डन, अरे फटाफट लिखना है भाई साहब, एल स्क्वायर लिख दिया अपन ने, एम स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया एम स्क्वायर, और इसका देखो ये इसका फैमिली वाला कोई नहीं है यहाँ पे, तो इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर इधर लिखा, ठीक है, एल स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे देखो एल स्क्वायर लिख दिया अपन ने, ठीक है, ओके। अब बताओ भाई साहब टू एल एम है, टू एल एम है कोई, सब बाहर, तो ये हो गया आपका टू एल एम प्लस 2mn प्लस 2nl, क्योंकि ये सब भाई साहब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है, तो यहाँ पे कितना हो गया l square plus l square, कितना हो गया 2l square, m square plus m square that is 2m square, n square plus n square that is 2n square plus 2lm plus 2mn plus 2nl, क्या ये समझ में आ रहा है, this would be the entire thing, okay okay okay। तो आप भाई साहब यहाँ पे l square plus m square
तो 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 2lm 2mn प्लस 2nl क्लियर है बच्चा पाड़ी द सम ऑफ द एक्सप्रेशन इज तो आपने सब में से 2 को बाहर निकाल लिया सब में से 2 को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl क्लियर है आर वी क्लियर ऑन दिस वन ओके 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 चलिए भाई साहब अभी आपको सब्ट्रैक्ट करना है ओके जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे जिस टर्म को आप नीचे लिखोगे उसके साइंस चेंज होंगे फिर से बोल रहा हूं जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे जिस टर्म को आप नीचे लिखोगे उसके साइंस चेंज होंगे ठीक है तो ये हो गया आपका 4a माइनस 7ab प्लस 3b इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना ठीक है फ्रॉम दिस तो ये हो गया आपका 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 इससे आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने यहां पे लिखा 4a माइनस 7ab ठीक है प्लस 3b और यहां पे भाई साहब है प्लस 12 ठीक है ओके सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस का आपने क्या लिख दिया माइनस प्लस का आपने क्या लिख दिया माइनस ये माइनस का आपने क्या लिख दिया प्लस प्लस का आपने क्या लिख दिया माइनस 12 माइनस 4 8a माइनस 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा बोलो माइनस 9 प्लस 7 इज माइनस 2 माइनस 2ab 5 माइनस 3 प्लस 2b माइनस 3 माइनस 12 कितना हो गया माइनस 15 बस ये हो गया आपका आंसर ठीक है क्लियर है ध्यान दो इसका साइन क्या था यहाँ पे प्लस तो प्लस का अपन ने क्या लिया माइनस इसका साइन क्या था यहाँ पे माइनस तो माइनस का अपन ने क्या लिया प्लस प्लस का क्या ले लिया भाई साहब माइनस प्लस का क्या ले लिया माइनस उल्टा हो जाएगा साइन तो माइनस 3 माइनस 12 इसको कंसिडर नहीं करोगे ये गया भाई साहब अभी माइनस 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका माइनस 15 ठीक है 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका प्लस 2 माइनस 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस 2 12 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 8a क्लियर है आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम ठीक है तो यहां पे हो गया आपका 12a माइनस 9b और इसको अपन ने बराबर इसके नीचे डाला हुआ है साइंस देखो चेंज हो रहे हैं यहां पे प्लस था तो ये माइनस हो गया माइनस का क्या हो गया प्लस प्लस का क्या हो गया माइनस इस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस सो दिस विल बी हाउ मच 12 माइनस 4 दैट इज 8 माइनस 9 प्लस 7 तो ये हो गया माइनस 2 5 माइनस 3 तो ये हो गया 2b माइनस 15 ये हो गया आपका आंसर क्लियर है आर वी क्लियर ओके 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 चलिए भाई साहब इसको करना है तो अपन क्या करेंगे यहां पे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz ठीक है ओके अभी देखो 3xy है तो बराबर इसके नीचे लिखेंगे 3xy 5yz है तो प्लस 5yz माइनस 7zx माइनस 7zx ठीक है फ्रॉम दिस क्या करेंगे अरब साइंस चेंज करेंगे तो माइनस का क्या करेंगे प्लस प्लस का माइनस और यहां पे प्लस है तो ये हो गया माइनस समझ में आ रहा है अब बताओ यहां पे क्या हो जाएगा देखो जब तुम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हो तो तुम क्या करते हो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हो यहां पे ऐसा कुछ जरूरत नहीं है ठीक है नॉट रिक्वायर्ड समझ लो जैसे तुमने यहां पे 23 माइनस तुमने किया भाई साहब 16 तो तुम इधर से चलोगे ना तो यहां पे 7 प्लस 6 13 और ये 1 तो ये आ जाएगा आपका 7 ऐसा चलते हो ना तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा यहां पे इधर से चलना या इधर से चलना कुछ मैटर नहीं करता है आप बीच में से भी किसी को उठा सकते हो तो आप इधर से भी चल सकते हो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा बोलो नहीं 5 माइनस 3 है ना 2xy आ जाएगा ठीक है माइनस 2 और ये माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 7 माइनस 7 वाई जेड यहां पे माइनस 2 प्लस 7 संस्कार कितना होगा हाँ माइनस 2 प्लस 7 माइनस 2 कितना होता है 5 ना भाई साहब इतना क्या सोच रहा है देख माइनस 2 है प्लस 7 है ना 7 माइनस 2 कितना होता है 5 तो ये हो जाएगा प्लस 5 जेड एक्स भाई साहब इसके साथ तो किसी का कुछ नहीं तो ये जैसा का तैसा उतर जाएगा 10xyz ये हो गया आपका आंसर आर वी क्लियर जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे सीधा सीधा वही नंबर उतर जाएगा आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम ठीक है तो आपका हो गया यहां पे प्लस 10xyz क्लियर है भाई साहब ये किसी को भी कोई दिक्कत यहां तक नहीं है भाई साहब बहुत बढ़िया चलो भाई साहब इसको करना है फ्रॉम मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मतलब इसको ऊपर रखना है इसको नीचे चलिए फटाक से एकदम टैलेंट दिखाइए भाई साहब टैलेंट
डन 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 आर वी डन पर तो फ्रॉम है तो इसको ऊपर लिखेंगे भाई साहब 18 लिख दिया यहाँ पे ठीक है माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब अभी इसके नीचे ही लिखते जाएंगे 4p स्क्वायर क्यूब तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3pq तो ये हो जाएगा माइनस 3pq 5pq स्क्वायर प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p माइनस 8p प्लस 7q और ये हो गया आपका माइनस 10 ठीक है क्लियर 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 ठीक है प्लस के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस के जगह पे माइनस माइनस के जगह पे प्लस प्लस के जगह पे माइनस माइनस के जगह पे प्लस माइनस के जगह पे प्लस ठीक है 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 है ना माइनस 3 प्लस 8 है मतलब 8 माइनस 3 हो गया तो प्लस 5p माइनस 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा बट माइनस 11 माइनस 7 कितना होगा माइनस 18 साइन साइन चाहिए भाई साहब साइन चरक चाहिए माइनस 18 क्यू 5 प्लस 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 8 है ना प्लस 8pq यहां पे बोलो माइनस 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 7pq स्क्वायर यहां पे 5 माइनस 4 तो प्लस पी स्क्वायर क्यू ठीक है 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7p स्क्वायर क्यू और यहां पे हो गया पी स्क्वायर क्यू ठीक है क्लियर है तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया भाई साहब व्हाट विल दिस बी तो ये हो गया आपका 28 क्लियर है समझ में आ रहा भाई साहब ओके 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 फाइंड द प्रोडक्ट अच्छा देखो अभी प्रोडक्ट मतलब हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई भी भाई साहब आपका यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म्स नहीं होता आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे या डिवीजन करोगे ठीक है तो 4 और 7p है क्या करेंगे भाई साहब 4 इंटू 7p दैट इज हाउ मच 28p तो आपका हो गया भाई साहब आपका 28p सिंपल अगर आप देखोगे इसको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स है नहीं आप सबट्रैक्ट कर सकते हो ठीक है लेकिन आप मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कोई रोक टोक नहीं है ठीक है तो 4 इंटू 7p दैट इज 28p चलिए इसका देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 इंटू 7 कर लो कितना हो गया माइनस 28 और p इंटू p कितना हो गया पी स्क्वायर तो माइनस 28p स्क्वायर ठीक है तो ये हो गया आपका माइनस 4 इंटू ये हो गया आपका भाई साहब माइनस 28p स्क्वायर माइनस 4 माइनस यहाँ पे 7 है तो माइनस 4 और 7 का कितना हो गया माइनस 28 पी इंटू पी का कितना हो गया पी स्क्वायर और बचा क्यू तो माइनस 28p स्क्वायर क्यू हो जाएगा ये ठीक है क्लियर है बच्चा बाड़ी समझ में आ रहा है तो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम दिस विल बी माइनस 28p स्क्वायर क्यू ठीक है 4p क्यूब माइनस 3p है तो 4 इंटू माइनस 3 कितना हो गया माइनस 12 और पी क्यूब इंटू पी तो ये हो गया आपका पी रेस टू 4 तो 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12 एंड पी क्यूब इंटू पी इज पी रेस टू 4 क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब ठीक है ओके 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 सो दिस विल बी हाउ मच माइनस 12p रेस टू 4 ओके ओके 4p इंटू 0 बट एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज नहीं 1 क्यों होगा किसी चीज को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा ना भाई ये रेस टू नहीं है तो a इंटू 0 भाई साहब 0 2 इंटू 0 0 तो इसी तरह से 4p इंटू 0 कुछ भी रहने दो यहां पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही आएगा क्लियर है ओके दिस विल बी बेसिकली 0 4p इंटू 0 दैट विल बी 0 फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ तो यहां पे कुछ आपका लेंथ का वैल्यू रहेगा और कुछ ब्रेथ का वैल्यू रहेगा आपको एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है ठीक है ओके चलिए भाई साहब यहां पे पी और क्यू है तो क्या हो जाएगा बोलो लेंथ है आपका पी और ब्रेथ है आपका क्या क्यू तो एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ दैट विल बी पी इनटू क्यू दैट विल बी पी क्यू ठीक है दैट विल बी बेसिकली पी क्यू लेंथ पी ब्रेथ क्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पी इंटू क्यू तो ये हो गया आपका पी क्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज पी क्यू 10 mm है और 5 mm है लेंथ आपका कितना है यहां पे 10 mm
और ब्रेथ आपका कितना है यहाँ पे 5n, तो लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 10m इनटू 5n 50mn। तो ये हो गया लेंथ और ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 50mn। ठीक है, 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर, बताइए क्या हो जाएगा यहां पे, लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई 20x स्क्वायर और ब्रेथ की वैल्यू क्या हो गई 5y स्क्वायर, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर इनटू 5y स्क्वायर, तो ये हो गया 20 इनटू 5 दैट इज 100 और ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर 100x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ हो गया 20x स्क्वायर, ब्रेथ हो गया 5y स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 100x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, इसका कितना हो जाएगा बोलो लेंथ इनटू ब्रेथ, नींद आ रही है तेरे को बहुत जोर से, लेंथ की वैल्यू कितनी है यहां पे 4x और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर 12x क्यूब हो जाएगा आपका एरिया 4 into 3। ठीक है, सो लेंथ की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 4x, ब्रेथ की वैल्यू 3x स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ आपका कितना हो गया 4x into 3x स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच 12x क्यूब। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, 3mn है 4np है। चलिए भाई साहब इसको करना है, क्या हो जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ 3 4 12 एम स्क्वायर कहां से होगा बच्चा पार्टी, हाँ एम एन स्क्वायर पी, ठीक है 12mn स्क्वायर पी, तो ये हो गया ब्रेथ 4np, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया आपका कितना 3 इनटू 4mn, तो ये हो गया आपका 12mn स्क्वायर पी। आर वी क्लियर टू दिस वन? हाँ बेटा तुम उबासी लेते रहो, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, देखिए फर्स्ट मोनोमियल इधर है, सेकंड मोनोमियल इधर है, 2x into 2x कितना हो जाएगा बोलो फटाफट, 4x 4x स्क्वायर क्यूब क्यों होगा। ठीक है, अरे बाप रे ये कैसे आ गया, चलिए 2x into 2x 4x स्क्वायर, इसका बताओ कितना हो जाएगा 2 5 10 -10xy -10xy 2x into -5y ये हो गया आपका कितना भाई साहब -10xy 6x³। गुड, चलिए भाई साहब आपका ये हो गया कितना 6x³, ये कितना हो जाएगा -8x² y। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 2 into 7 14 14x³y, तो ये हो गया आपका 14x³y। ठीक है, दिस विल बी 14x³y 2 into 9 18 -18 रुको -18 यहाँ पे हो गया आपका कितना -18x³y² 5y है नीचे आ गया 5y into -15 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी -10xy 5y into 5y कितना आ जाएगा -5y है ये, तो ये हो गया आपका 25 प्लस 25 y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 25 y का स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा बोलो 5 into 4 -20 और कितना हो गया भाई साहब आपका xy का स्क्वायर 5 into 7 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना भाई साहब 35 भाई साहब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5y into 9 तो ये हो गया 45x² -45x² y³। ठीक है, ओके 3x तो ये कितना हो गया 6x³, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल हम 6x³ 3x² इंटू -5y है कितना हो जाएगा बोलो -15x² y -15x² y 3x² इंटू 3x² कितना हो जाएगा 9x⁴ 9x⁴ ये कितना हो जाएगा बोलो 3 4 12 -12x³y -12x³y 3 7 21 21x⁴ y स्क्वायर है ना भाई साहब, ओके यहाँ पे 3 into 9 -27x³y² -27x³ आपका x स्क्वायर है और x स्क्वायर है तो x⁴ हो जाएगा और y स्क्वायर। ठीक है, 4xy को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बोलो -8x² y है ना, दिस विल बी -8x² y इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल 4 5 20 xy² तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई साहब 20xy² -4 into 3 -12x³y -12x³y -4 into -4xy तो कितना आ जाएगा बोलो 16x² y² 16x² y² ठीक है,
7 4s are 28 माइनस 28x³y² माइनस 28x³y² 9 4s are 36 36x³y³ तो ये हो गया आपका 36x³y³ ठीक है। 7 × 2 कितना हो गया 14x³y 14x³y ओके 7 × -5 तो ये हो गया आपका -35x² ठीक है -35x² y² 7 3s are 21 x³y 7 3s are 21 यहाँ पे हो गया x^4y 7 4s are 28 -28x³y² ठीक है ये हो गया आपका -28x³y² 7 7s are 49 x^4y² 7 9s are 63 -63x^4y³ 9 2s are यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया 18 18x³y² 9 5s are 45 यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 45x² y³ ये हो गया 9 3s are 27 -27x^4y² ठीक है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए भाई साहब वर्कशीट निकालिए फटाफट।